महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कैथल का दौरा किया। रेनू भाटिया ने RKSD कॉलेज में लीगल अवेयरनेस एंड साइबर क्राइम के तहत महिलाओं की समस्या सुन उसका निपटान किया। इससे पहले महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रेनू भाटिया ने पुरुषों के लिए आयोग बनाए जाने के सवाल पर कहा कि कई बार लड़कों की जो शिकायत करवाई जाती है, जब इस शिकायत की जांच की जाती है तो वह शिकायत झूठी पाई जाती है। इस दौरान लिव इन रिलेशनशिप पर बोलते हुए चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि इस तरह की समस्या जहां जहां होती है वहां भी क्राइम बढ़ा है। इस तरह के कानून बारे आयोग में विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। रेनू भाटिया ने कैफे संचालकों को चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी अंडर 18 इस तरह की जगहों को रिलेशनशिप के लिए परमिट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महिला आयोग का आज कैथल का दौरा एक रूटीन दौरा था। हम लोग पूरे हरियाणा के सभी जिलों में इस तरह का दौरा करते हैं। ये हमारा 19वां जिला है इस साल का, और जिस भी हम जिले में जाते हैं वहाँ पर हम वहाँ के कोई ना कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ के ASI के साथ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रोग्राम, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और किसी ना किसी बस्ती के लोग होते हैं, एक हम वहाँ पर हेयरिंग सेशन रखते हैं कि जितने भी उस ज़िले के 4-5-6 महीने के केसेस पेंडिंग होते हैं उनकी हम सुनवाई करते हैं। तो उसी संदर्भ में इस कॉलेज में, RKSD कॉलेज में ये प्रोग्राम था। ऐसे कॉलेजेस में जाकर हम वहाँ के यूथ को लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करते हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन में मैंने 19 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया था। 2023 जनवरी तक 2246 केसेस हमारे पास आए। उन 2246 केसेस में हमने 1700 केसेस सॉल्व किए, कुछ कोर्ट में पेंडिंग है, परंतु जितने भी केसेस हमारे पास आए थे उनमें से मैक्सिमम केसेस साइबर क्राइम और लीगल अवेयरनेस की कमी की वजह से थे। ड्योरी केसेस थे जिनमें लीगल कमी थी, इस वजह से वो केस बहुत खतरनाक मोड़ पर आया। साइबर क्राइम के केसेस हमारे पास आए और हमने धीरे धीरे ये नोटिस किया कि यूथ के केसेस साइबर क्राइम के ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आयोग ने एक निर्णय लिया कि यूथ को जो है एडुकेट करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहीं से सीढ़ी स्टार्ट होती है साइबर क्राइम को जन्म देने की। अगर हम सीधा कॉलेज में जाते हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन हमने इस स्टेप को 2 कदम पीछे हटाया। हम 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, इन सबको इस सीरीज़ में लेते हैं, और हमने ये तय किया कि हर ज़िले का एक स्कूल, एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम कवर करेंगे। साइबर क्राइम के जितने केसेस आए वो, और पॉक्सो के जितने केसेस हुए वो इस वजह से दिखे। तो ये सोच के साथ कि 6ठी 8वीं के बच्चों को अगर हम साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर देंगे तो वही बच्चा, लड़का हो या लड़की, बड़े होते होते में साल, 2 साल 3 साल में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा कि उसे ये क्राइम नहीं करना है या उसे इस तरह के क्राइम में कहीं लिप्त ना होना पड़ जाए। ऐसे ही हमारे पास यूथ के बहुत सारे केसेस आए, कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स के इस संबंध में केसेस आए। तो हमने ये तय किया कि जब हम कॉलेज में जाएंगे उनको साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेंगे। लड़कों को हमने बहुत सारी मोबाइल पर ऐसी ऐप्स में फंसा हुआ देखा जिसमें वो गेम्स खेलते थे, सट्टा लगाते थे और क्राइम में फंसते थे, और ऐसे में उसके साथ उनका पूरा ग्रुप कई बार होता था, लड़के और लड़कियाँ। ऐसे ही लड़कियों को हमने साइबर क्राइम में फंसा हुआ पाया जिसमें वो किसी ना किसी के साथ प्रॉन वीडियो में, व्हाट्सएप कॉलिंग में, या उनकी फिल्म बन गई या उनके साथ कोई अभद्र अश्लीलता हुई, उसकी फिल्म्स के माध्यम से वो ब्लैकमेल होती थी। तो ये आयोग ने निर्णय लिया कि ये ऐसा स्टेप है जिससे अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो बेशक
इस वर्ष हमें कोई लाभ ना मिले, केसेस में कमी ना आए, परंतु डेफिनेटली अगले वर्ष और उससे अगले वर्ष केसेस में भी कमी होगी और बच्चे साइबर क्राइम में लिप्त भी कम होंगे। क्योंकि हम महिला आयोग के हैं तो अक्सर हमसे मीडिया भी और लोग भी पूछते हैं कि क्या कभी पुरुष आयोग भी होगा, पुरुषों की सहायता भी होगी, लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे पास कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, कई बार लड़कियां ही कंप्लेंट्स लाती हैं, लेकिन वो बाद में इंक्वायरी के माध्यम से या जानकारी जब हम लेते हैं, डिटेल्ड जाते हैं, तो कई बार फेक पाई जाती हैं। बहुत बार हमने देखा लड़के लड़की की मित्रता कॉलेज स्कूल में हो गई, यदि वो बाद में टूट जाती है या गलत पाई जाती है तो वो इस तरह का किसी ना किसी के बहकावे में आकर केस कर देते हैं। ऐसे ही कई बार परिवार में शादी होती है, साल दो साल तीन साल बाद यदि संबंध बिगड़ जाते हैं तो किसी ना किसी के बहकावे में आकर वो इस तरह से बात कर देते हैं कि आप अपने पति पर इल्ज़ाम लगाओ, देवर पर लगाओ, ससुर पर लगाओ, और वो फेक होती हैं स्टोरीज़। बहुत बार ऐसा पाया गया। तो ऐसे में एक कानून है 182, जिसमें यदि लड़का कोई गलती करता है तो उस पर ये वाला कानून लागू होता है, लेकिन अगर कोई लड़की भी गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर भी यही कानून है। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं कॉलेजेस में, वर्किंग प्लेसेस में, तो हम सबको सतर्क करते हैं कि गलत इल्ज़ाम कभी मत लगाओ, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की गलत स्टोरीज़ की वजह से, गलत इल्ज़ामों की वजह से कई बार जेन्युइन लड़की जिसके साथ अभद्रता हुई है या गलत हुआ है वो भी इस घेरे में आ जाती है। तो इसलिए हम दोनों तरफ की कार्रवाई करते हैं। मैंने जैसे अभी बताया 2246 केस हमारे पास आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे ही केसेस थे जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या लिव इन है, तो हमारे हाथ बंद जाते हैं। लड़का इस बात से पूर्ण रूप से यू नो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा तो लिव इन है, और लड़कियां उनके परिवार की, उसकी बीवी, माता या उसके बच्चे इसके पूरी तरह से शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, क्योंकि ये एक जजमेंट आई थी, तो हम लोग इंटरवेन नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे, लेकिन हम जगह जगह यही बात करते हैं कि हमें कोई ना कोई कानून ऐसा निकालना होगा जिसमें हमें इस चीज़ के बारे में विचार करना पड़ेगा दोबारा से। क्योंकि केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ ये कानून, जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ वहाँ परिवार भी बिगड़े हैं और जो है क्राइम की संख्या भी बढ़ी है। तो दो परिवार टूटे, इससे अच्छा है कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। हमारे पास आप लोग शिकायत करेंगे, कहीं से कोई बात आएगी तो हम लोग डेफिनेटली छापा मारेंगे। अभी एक शिकायत के दौरान पता चला था कि इसी प्रकार के जो कैफे चलाए जा रहे हैं वहाँ पर एक नाबालिग को ले जाया गया, उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसके बावजूद भी इस प्रकार के कैफे पे उस लड़की के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया था उसको पकड़ा गया, उसके साथ जो धाराएं लगनी थी, सजा होनी थी, वो कैफे दोषी नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल है। हम लोग अंडर 18 अगर कोई इस तरह की जगहों को रिलेशनशिप के लिए परमिट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।